यस सर, थैंक यू सर। इस सेशन में हमें ये डिस्कस करना है कि आपको जो एमसीए टोटल एमसीए में आपको टोटल 4 प्रोजेक्ट्स करने हैं। हर एक सेमेस्टर को प्रोजेक्ट होता है, लेकिन पहले 3 सेमेस्टर के अंदर आपको मिनी प्रोजेक्ट होता है और लार्ज होता है आपका इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट होता है। और इंटर्नशिप का प्रोजेक्ट 500 मार्क्स के लिए होता है, और जो ये मिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं ये सब प्रोजेक्ट्स आपको 125 मार्क्स के लिए होते हैं। अगर किसी कॉलेज में आपको बोला गया है कि आप ग्रुप में प्रोजेक्ट कर सकते हो, मतलब दो लोगों का, दो स्टूडेंट्स का या 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप अगर बोला है आपको, तो अगर एक बच्चा 125 मार्क्स के लिए प्रोजेक्ट अगर बना रहा है तो अगर दोनों मिलके बनाए तो 250 का होगा। तो स्कोप उतना ही आपको वहां पे ज्यादा रखना होगा प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं आप यहाँ पे कि आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है वो इंडिविजुअल ही बनाना है, और उसी हिसाब से हम यहाँ पे स्कोप भी डिस्कस करेंगे और उसी हिसाब से हम प्रोजेक्ट डेवलप भी करेंगे। स्टार्ट टू एंड हम यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे। तो इस डेमो सेशन के अंदर हम ये डिस्कस करने वाले कि इस टोटल एंटायर कोर्स के अंदर हम किस तरह का प्रोजेक्ट, मतलब कितना स्कोप होगा उसमें, कौन सी टेक्नोलॉजीज हम यहाँ पे कवर करेंगे, और जो आपने BCS में BCA के अंदर जितने भी आपने टेक्नोलॉजीज पढ़ी है उस टेक्नोलॉजी की मदद से ही हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं। आपको अभी आपका MCA अभी स्टार्ट हुआ है, तो मैं ऐसे कुछ भी मेरा कुछ भी ऐसा अजम्पशन नहीं है कि आपको ये HTML आता होगा या CSS आता होगा, आपको बूटस्ट्रैप आता होगा, मेरा कुछ भी ये अजम्पशन नहीं होगा। मैं स्टार्ट टू एंड, स्क्रैच से लेके एंड फाइनल बिलिंग तक पूरा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। अभी मैं बिलिंग तक बोल रहा हूँ क्योंकि जो हम वेब एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं उसके अंदर हमें ट्रांजेक्शन कंपलसरी होते हैं। कॉलेज में अगर आपको शायद बोला होगा कि हमें मैनेजमेंट सिस्टम नहीं चाहिए, लेकिन आपके प्रोजेक्ट के अंदर आपको कुछ ट्रांजेक्शन मेंटेन करने ही होते हैं। मतलब कुछ आप सेल कर रहे हो या फिर आप कुछ रिसिप्ट वगैरह पे जनरेट कर रहे हो तो आपको वो दिखाना होगा। तो आपको बिलिंग जनरेशन है या फिर रिसिप्ट जनरेशन है, कुछ भी कहिए, आपको वहां पे दिखाना है। तो हम पूरा स्टार्ट लॉगिन फॉर्म HTML टेबल फ्रेम कैसे ऐड करते हैं वहां से लेके बूटस्ट्रैप jQuery की मदद से वैलिडेशन कैसे करना है और डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसे करनी है वो सब हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसके लिए हमने हमें अब नियर अबाउट 20 days का टाइम यहाँ पे लगता है। 20 days कैसे डिवाइड करने हैं हम बाद में सोचेंगे उसके बारे में। अभी तो मैं आप एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाने जा रहा हूँ जो हमने क्लास में यहाँ पे डेवलप किए, कुछ स्टूडेंट्स ने डेवलप किए हैं जो लास्ट टाइम जो कोर्स हुआ था हमारा प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का, उसे कोर्स के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने डेवलप किए प्रोजेक्ट है, कुछ हमने डेवलप किए हुए प्रोजेक्ट है, वो आपको यहाँ पे मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो पहला तो प्रोजेक्ट मैंने इसका आप ग्रुप में वीडियो भी पब्लिश किया था, ब्लॉगर्स इरा नाम से एक वेबसाइट वेब एप्लीकेशन बनाया था ब्लॉगर्स इरा। और ये जो भी प्रोजेक्ट है ना ये हमारे पास 2 साल के लिए प्रोजेक्ट था। फर्स्ट ईयर को प्रोजेक्ट आया था ऐसे ही डेमो सेशन के, मतलब उसने ज्वाइन किया था DY पाटिल अकोडी की एक लड़की थी दीप्ति करके, उसने ज्वाइन किया था और ये कंटिन्यूएशन में सेकेंड ईयर फाइनल प्रोजेक्ट तक वो ले गई। मतलब जो आप ऐसे भी नहीं कि आपको हर सेमेस्टर में अलग अलग प्रोजेक्ट करना, आप इस सेमेस्टर के अंदर एक प्रोजेक्ट टॉपिक सिलेक्ट कीजिए या फिर आपकी जो भी आइडिया है, ऐसे नहीं कि आपको प्रोजेक्ट टॉपिक ही सर्च करना है गूगल पे जाके, हाँ प्रोजेक्ट टॉपिक फॉर जावा और प्रोजेक्ट टॉपिक इन PHP, ऐसे सर्च भी नहीं करना है आपको। जो भी है आपको, आपकी अगर कुछ आइडिया है तो उस आइडिया के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपकी सिंपल आइडिया वो क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं जो भी आइडिया आ रही है वो आपके दिमाग में क्लियर होने चाहिए। तो हमने ये प्लॉगर सीरा नाम से प्रोजेक्ट बनाया था, जिस प्रोजेक्ट के अंदर हमने प्लॉगिंग का मतलब क्या है, प्लॉगिंग मतलब जॉगिंग करते समय आपको कुछ कचरा उठाना है, मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे करते हैं कि एज अ सोशल एक्टिविटी, ठीक है ना। तो ये प्लॉगिंग की कंसेप्ट है, तो प्लॉगर सीरा उस कंसेप्ट को लेके यहाँ पे हमने डेवलप की थी। यहाँ पे आपको एक, ये आपको YouTube पे भी मिलेगा, हमने वीडियो भी डाला है इसका, तो ये प्लॉगिंग का वीडियो है। पिकिंग अप लिटिल व्हाइल जॉगिंग इज कॉल्ड प्लॉगिंग, ये कंसेप्ट थी।
अगर ऐसी कुछ सोशल एक्टिविटी है, ऐसा कुछ आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ थॉट है, और उसे अगर कुछ सोशल टच है, तो हम उसे हम वेबसाइट के तौर पे या फिर वेब एप्लीकेशन के तौर पे एग्जीक्यूट या बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दीप्ति ने बनाया हुआ प्रोजेक्ट था जो हमने 2 साल इस पे काम किया है। हर साल के लिए कुछ अलग सा स्कोप हमने बढ़ाया, और लास्ट ईयर को 500 के लिए उसने प्रोजेक्ट सबमिट किया, और इसे आउटस्टैंडिंग ग्रेड भी मिली थी। तो ये यहाँ पे लॉगिन कर सकता है, प्लॉगर भी लॉगिन कर सकता है, प्लॉगिंग फिर या फिर डोनर है तो डोनर भी लॉगिन कर सकता है। डोनर के लिए उसका रजिस्ट्रेशन भी करना है तो रजिस्ट्रेशन भी कर सकता है। अलग अलग यहाँ पे फॉर्म्स वगैरह बनाए, और सिंपल ये फॉर्म ही नहीं, इसके बैकएंड में जो डेटाबेस होता है वो डेटाबेस भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जितने भी हमारे डेटाबेसेस है, मैंने पूरे डेटाबेसेस MySQL के अंदर ही बनाए। तो ये MySQL, अभी बहुत सारे बच्चों को ये आइडिया नहीं होती कि प्रोजेक्ट बनाना है मतलब क्या करना है एग्जैक्टली। तो ये वो एक बार हम उसका वो ले लेते हैं एक बार। तो मैंने यहाँ पे क्या किया आपको समझ में आएगा, या फिर आपको जो भी चीजें करनी है। हमें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट डेवलप करना है, कंसिडर कीजिए। तो एक हम यहाँ पे एक फॉर्म बना रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। इस फॉर्म का सपोज नाम है कॉन्टेक्ट अस, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट अस का एक हमारा फॉर्म है। इसके अंदर हम यूजर का कुछ नाम वगैरह हम लेंगे, जो हमें कांटेक्ट करना चाहता है उसका मोबाइल नंबर लेंगे, है ना। मोबाइल नंबर, सॉरी, उसका जो भी मैसेज है वो मैसेज भी हमें चाहिए जिसके लिए वो कांटेक्ट कर रहा है। तो हमने एक बड़ा वाला टेक्स्ट एरिया बनाया, और यहाँ पे वो आके सबमिट बटन प्रेस करे। तो ये GUI जो बनता है वो किस टेक्नोलॉजी में बनता है? GUI जो बनता है वो सिंपल HTML के अंदर ये स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, लेकिन अगर इसे हम प्रॉपर डिजाइन करना है तो हमें एक तो CSS, प्योर CSS यूज करना पड़ेगा, या फिर आपको बूटस्ट्रैप भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट से बिहेवियर ऐड होता है। तो हमें यहाँ पे सिंपल GUI अगर बनाना है तो GUI हम HTML जो स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, और उसके साथ साथ हमें CSS इस्तेमाल करना है। और CSS, प्योर CSS अगर हम हर एक पेज को लिखते बैठेंगे ना तो हमें बहुत सारा टाइम लग सकता है। तो हम CSS का फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप में बहुत सारी चीजें हमें इजी मिल जाती है, ठीक है। तो हम HTML देखेंगे पहले, HTML के बाद हम CSS कैसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर वो देखेंगे, और उसके बाद हम बूटस्ट्रैप भी देखेंगे जिसकी मदद से हम इजीली फास्ट एप्लीकेशन, फास्ट UI बना सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रंट एंड, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए हम HTML, CSS और बूटस्ट्रैप की मदद लेंगे। उसके बाद अगर डेटा का वैलिडेशन करना है, डेटा का वैलिडेशन मतलब क्या, अगर यूजर मोबाइल नंबर एंटर कर रहा है तो मोबाइल नंबर एंटर करते समय उसने यहाँ पे ABCD डाल दिया, ABCD ऐसे इनपुट लिया उसने, तो ABCD इस जगह पे रॉन्ग है, तो ये हमें वैलिडेट करना है। तो वैलिडेशन दो जगह पे कर सकते हैं, एक कर सकते हैं क्लाइंट साइड को और दूसरा सर्वर साइड को। क्लाइंट साइड पे हमें वैलिडेशन अगर करना है तो हम वो वैलिडेशन कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अगर जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको वैलिडेशन करना है तो आपको प्योर कोड लिखना पड़ेगा, या फिर आप उस जगह पे जेक्वेरी भी यूज कर सकते हो। उस जगह पे आप जेक्वेरी भी यूज कर सकते हो। जेक्वेरी आपको जावास्क्रिप्ट का ही एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है, वो यूज करके हम जब यूजर प्रेस करता है उस मोबाइल नंबर के टेक्स्ट बॉक्स पे सिंपल ए भी प्रेस करता है तो इमीडिएट उसे पॉपअप आएगा कि यहाँ पे कैरेक्टर नहीं चलना है, यहाँ पे आपको सिंपल नंबर ही डालना चाहिए। तो ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन, और दूसरा होता है सर्वर साइड। सर्वर साइड मतलब यूजर सब डेटा फॉर्म फिल करेगा, जब भी फिल करेगा वो यूजिंग अजैक्स, यूजिंग अजैक्स। अजैक्स की कंसेप्ट आपने सुनी होगी, BCS BCA के अंदर था। यूजिंग अजैक्स जो भी डेटा आ रहा है वो डेटा हम अजैक्स को भेजेंगे, अजैक्स बैकएंड सर्वर को डेटा भेजेगा,
वहां पे वैलिडेशन, सर्वर को मतलब कहाँ पे, हम बैकएंड जो यूज कर रहे हैं वो जावा यूज कर रहे हैं, बैकएंड मतलब सर्वर स्क्रिप्टिंग जो यूज करने जा रहे हैं वो जावा है, जावा मतलब प्योर जावा, कोर जावा नहीं, जेएसपी और सर्वलेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जेएसपी के अंदर हम वो डेटा भेज देंगे, वो डेटा जेएसपी के अंदर वैलिडेट होगा, अगर सही है तो यहाँ पे एरर नहीं है, कि अगर सही नहीं है, रॉन्ग है कुछ, तो यहाँ पे हमें एरर इस जगह पे हमें दिखाई देगी, ठीक है। तो ये वैलिडेशन का हो गया, ठीक है ना, ये वैलिडेशन का हो गया। तो ये वैलिडेशन के लिए हमें क्या लगेगा, वैलिडेशन के लिए लगेगा हमें जेक्वेरी प्लस जावास्क्रिप्ट भी हम लिख सकते हैं। अगर आपको पूरा कोड खुद से ही करना है, कोई फ्रेमवर्क की मदद नहीं लेनी है, तो आप खुद से भी जावास्क्रिप्ट, प्लेन जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजीज है, HTML, CSS, Bootstrap, jQuery, जावास्क्रिप्ट, ये अगर आप कंसिडर करोगे, आप ये पूरी टेक्नोलॉजी अच्छे से करनी है, तो मिनिमम इसको आपको 6 मंथ्स का टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से करनी है तो, पूरी पढ़नी है तो। लेकिन हमारे पास उतना टाइम है ही नहीं, हमें सिंपल 20 दिन के अंदर प्रोजेक्ट बनाना है रेडी, कंप्लीट स्टार्ट टू एंड, और खुद से बनाना ऐसे ही नहीं, यहाँ पे हमने कहीं कहीं से कॉपी किया, पेस्ट किया, चल रहा है काम, पूरे जो भी चीजें हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, वो हर एक चीज क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, उसका हर एक का मीनिंग समझने के बाद ही हम हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो चीज ऐड करेंगे, ताकि अगर इंटरव्यूअर या फिर अगर एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको कुछ क्वेश्चन करता है कि हाँ मुझे बताइए ये चीज आपने कहाँ से ली, या फिर ये चीज आपने कैसे बनाई, ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो आप अपने खुद से अगर वो चीज की है, उसका पूरा लॉजिक समझ में आपको आया हुआ है, अपने वो समझने के बाद ही अगर बिल्ड की है, तो आप इजीली वहां पे आंसर आंसर कर सकते हो। एंड द प्रोजेक्ट इज द ओनली थिंग यू मेड इन प्रैक्टिकल वे इन योर एंटायर BCS, BCA और MCA। आपका स्किल सेट अगर आपको शो करना है, तो आप प्रोजेक्ट की मदद से ही शो कर सकते हो। आप इंटरव्यूअर को ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ मैंने BCS के, BCA के या फिर MCA के जितने भी प्रोग्रामिंग स्लिप्स थी, मैंने वो खुद से की थी, उस पे मतलब वो कन्विंस नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसे कहते हो कि हाँ मैंने जो भी प्रोजेक्ट रेज्यूमे के अंदर ऐड किए, जो भी आप रेज्यूमे प्रिपेयर करोगे, उसके अंदर आप प्रोजेक्ट का, एक दो प्रोजेक्ट का लिस्टिंग करोगे इनिशियल एज अ फ्रेशर, एक दो प्रोजेक्ट आपने अगर ऐड किए है उसके अंदर, तो आप वहां पे इंसिस्ट कर सकते हो कि हाँ ये जो प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे ऐड किया है रिज्यूमे के अंदर, वो प्रोजेक्ट मैंने खुद ने किए, आप उसके अंदर मतलब जो भी क्वेश्चन आपको लगता है वो पूछ सकते हो। अगर उसे ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखाई देता है, तो आपके प्लेसमेंट के चांसेस 100% है। लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस ऐसे ही नहीं आएगा, अगर आपने कहीं से प्रोजेक्ट उठाया होगा तो वो कॉन्फिडेंस आप खरीद नहीं सकते, आपको कॉन्फिडेंस इंटरनल बिल्ट इन होना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस आपने अगर खुद से बनाया है, प्रोजेक्ट आपका पूरा स्टार्ट टू एंड, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो, या फिर जो भी रन टाइम अगर बोलता है इंटरव्यूअर या आपका एग्जामिनर कि मुझे ये चीज बना के दे, दिखा दे, तो आप वो बना सकते हो आपके कोड का रेफरेंस लेके, ठीक है। लेकिन सब चीजें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि हाँ मुझे ये, मैंने ये चीज कैसे बनाई थी, या फिर इसका रेफरेंस कहाँ से आ रहा है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए। और प्रोजेक्ट के अंदर हम जब डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं ना, उसके अंदर एक बिब्लियोग्राफी का सेक्शन लिखते हैं, बिब्लियोग्राफी का एक पार्ट होता है ना, बिब्लियोग्राफी कहते हैं उसे, बिब्लियोग्राफी। इसके अंदर हम पूरा जितने भी रेफरेंसेस हमने प्रोजेक्ट के अंदर लिए, मतलब प्रोजेक्ट डेवलप करते समय, वो हम लिख सकते हैं। मतलब ये लीगल है, ऐसे नहीं कि कुछ गलत कर रहे, PhD भी, रिसर्च भी लोग कॉपी पेस्ट करके ही करते हैं, हम तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं एकेडमिक, तो हम यहाँ पे इजीली रेफरेंस ले भी सकते हैं, कोड इधर का उधर का कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और उस हमने जहां से भी कोड का रेफरेंस लिया, उसका रेफरेंस का जो भी डिटेल्स है आपको इस बिब्लियोग्राफी के अंदर यूज करना है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हाँ मेरे फ्रेंड ने डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, उसी का डॉक्यूमेंटेशन कॉपी पेस्ट करते हैं, और उसी का जो भी उसने बोला है कि हाँ, अरे बिब्लियोग्राफी देखते ही नहीं, बिब्लियोग्राफी भी वैसे की वैसे ही कॉपी पेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, आपने बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेस यूज किए होते हैं, उस हर एक रिसोर्स का डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए, ताकि एग्जामिनर अगर आपको बोलता है कि हाँ मुझे बताइए इसका रेफरेंस आपने कहाँ से लिया, तो आप बिब्लियोग्राफी में जाके इजिली बता सकते कि हाँ मैंने इसका रेफरेंस यहाँ से लिया। तो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्चुअल डेवलपमेंट। अगर आपको SDLC मालूम है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो डेवलपमेंट की स्टेप 4th आती है, उसके पहले ट्रायल
क्लाइंट डिस्कशन होता है, बाद में एनालिसिस होता है, बाद में रिक्वायरमेंट गैदरिंग डिजाइनिंग होता है, और उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। लेकिन एकेडमिक्स में कैसे करते बच्चे, पहले ढूंढते हैं कि प्रोजेक्ट कौन सा मिलने वाला है, डाउनलोडेबल कौन सा है, वो डाउनलोड करने के बाद वो एग्जीक्यूट होता है कि नहीं वो देखते हैं। अगर वो एग्जीक्यूट हो रहा है हाँ तो फिर ठीक है, वो टॉपिक सबमिट कर देते हैं और बाद में रन होने के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन बनाने में। लेकिन एक्चुअल डेवलपमेंट प्रोसेस वैसे होती नहीं। आपको अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड खुद से करना है तो आप पहले डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस कीजिए। आपको अगर कॉलेज में भी बोला गया है कि आपको अभी सिनॉप्सिस सबमिट करना है तो आपको सिनॉप्सिस के ऊपर ध्यान देना है। मतलब वो टॉपिक आप अभी, मुझे बहुत सारे बच्चों के मतलब मैसेज आ रहे हैं उस ग्रुप में से कि सर सिनॉप्सिस भेज दीजिए या फिर कुछ टॉपिक्स है तो उसकी लिस्टिंग भेज दीजिए। अगर मैं लिस्टिंग भेज देता हूँ या मैं लिस्टिंग बता भी देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक की लिस्टिंग पड़ी हुई है, मैं आज शाम को अपलोड भी करने वाला हूँ, लेकिन अगर वो टॉपिक्स अगर आप चूज करते हो तो वो टॉपिक ट्रेडिशनल टॉपिक्स है, उसमें कुछ नया नहीं दिखाई देगा। अगर आपके दिमाग में से कुछ नया आ रहा है तो वो क्लियर आइडिया कुछ है तो वो नहीं है, जिसके ऊपर किसी ने आज तक काम नहीं किया है, ठीक है ना। तो वो आइडिया अगर आपके पास है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल डेवलपमेंट हम यहाँ पे कर सकते हैं वो भी, ठीक है ना। तो रिलेट कैसे करना है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाना है, हम यहाँ पे वो डिस्कस करेंगे पूरा। तो हमें फ्रंट एंड के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी लगेगी, HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript और jQuery, ये हो गया फ्रंट एंड का पार्ट, ठीक है ना। लेकिन इसका स्क्रिप्टिंग जो भी है उसका स्क्रिप्टिंग हमें जावा के अंदर करना है, ठीक है, सर्वर साइड। इस बहुत सारे कॉलेज को PHP भी अलाउड होता है लेकिन हम जो करने वाले वो JSP के अंदर करेंगे, जावा के अंदर, क्योंकि PHP में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बैचलर्स में भी प्रोजेक्ट किए होते, JSP लास्ट सेमेस्टर को था इसलिए उन्होंने मतलब देखा नहीं होता, किया नहीं होता, इसलिए हम जावा के अंदर प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो क्लियर है, हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, सर्वर साइड लैंग्वेज की बोलिए आप या स्क्रिप्टिंग बोलिए, हम यूज करने जा रहे हैं JSP, ठीक है। और ये हो गया मतलब फ्रंट एंड इसमें डिजाइन करना है, स्क्रिप्टिंग कौन सी इस्तेमाल करनी है, लेकिन हमें जो भी डेटा स्टोर करना है, स्क्रिप्टिंग JSP में हो गया, लेकिन जो डेटा हमें स्टोर करना है वो डेटा स्टोरेज के लिए हम यूज करेंगे MySQL, आप चाहिए तो Postgres भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरा प्रेफरेंस रहेगा MySQL के अंदर हम डेटा स्टोर करेंगे। मतलब हमारी बैकएंड कौन सी है, MySQL, ठीक है। फ्रंट एंड HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery और स्क्रिप्टिंग रहेगी JSP। अभी कॉलेज में जब आप टॉपिक्स सबमिट करते हो या सिनॉप्सिस सबमिट करते हो तो आपको उसके अंदर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, बैक एंड टेक्नोलॉजी, स्क्रिप्टिंग ये बताना होता है। तो यही आपको लिखना है कि फ्रंट एंड में क्या है, बैक एंड में क्या है और स्क्रिप्टिंग कौन सी इस्तेमाल कर, ठीक है। वहां पे टेक्नोलॉजीज जो मैं रेडी दे भी दूंगा आपको, आपको वही एक बार वेरीफाई करना है और उसी के अंदर आपको कुछ अगर चेंजेस लगते हैं तो चेंजेस करके चेंज होगा नहीं होगा, ये चेंज होगा ही नहीं। आपको अगर ब्लॉकचेन का कुछ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है तो जावास्क्रिप्ट के जावा के अंदर JSP के अंदर हम वो एल्गोरिथम सिंपल ब्लॉकचेन का इंप्लीमेंट करें, ठीक है ना। बहुत सारे कॉलेज को ऐसे बोला जाता है कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट लेना ही नहीं है, ठीक है नहीं लेना है, तो आपको कोडिंग तो करनी है ना, कोडिंग करनी है तो किसके अंदर कोडिंग करोगे, JSP के अंदर कोडिंग करोगे, ठीक है। तो JSP के अंदर आपको अगर ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट करना है तो ब्लॉकचेन का इंप्लीमेंटेशन करना, तो कोड ब्लॉकचेन कोड करना है। अगर आप इथेरियम का कुछ कोड कर रहे हो तो आपको सॉलिडिटी के अंदर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कुछ टेक्नोलॉजीज ऐड हो सकती है लेकिन बेसिक टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, इसके मतलब इसमें से कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पे कट नहीं हुई, ये इतना तो रहेगा ही। हाँ, अगर वो टेक्नोलॉजी स्विच करता है मतलब उसे JSP के अंदर नहीं करना है, वो PHP ले सकता है, ठीक है, या फिर वो कोर जावा भी ले सकता है अगर उसे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन डेवलप करना है तो, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन की, वेब एप्लीकेशन, जो वेब एप्लीकेशन हमारा रिस्पॉन्सिव रहेगा, रिस्पॉन्सिव वेब एप्लीकेशन रहेगा। मतलब बहुत सारी वेबसाइट है, स्विगी, स्विगी का एक मोबाइल ऐप अलग सा आता है और स्विगी की वेबसाइट भी अलग है,
हम ऐप डेवलप करते समय ऐसा डेवलप करेंगे कि वो मोबाइल के ऊपर भी रिस्पॉन्सिव उतना ही दिखेगा, मोबाइल डिस्प्ले पे, और टैब पे भी अलग सा डिस्प्ले रहेगा, इस स्क्रीन पे अलग सा रहेगा और मतलब डेस्कटॉप पे अलग सा रहेगा, तो रिस्पॉन्सिव बूटस्ट्रैप से रिस्पॉन्सिव में जेक्वेरी से आ सकता है। इंटरफेसेस चेंज होंगे, लेआउट चेंज होगी, वो ग्रीड की मदद से वो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। तो पूरा रिस्पॉन्सिव रहेगा। तो हमें इतने सारे टेक्नोलॉजीज कवर करनी है, HTML, CSS, ये सब फ्रंट एंड के अंदर, स्क्रिप्टिंग JSP के अंदर, और MySQL की क्वेरीज। तो ये अगर आप देखोगे ये, तो ये उस सब कुछ है जो आपने BCA के अंदर, BCS के अंदर पढ़ा है, जो पढ़ने के लिए आपको 3 साल लगे। अभी इस सभी का रेफरेंस लेके हमें प्रोजेक्ट डेवलप करना है, और प्रोजेक्ट भी हमें 20 दिन के अंदर ही कंप्लीट करना है, 20 डेज के अंदर हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं प्रोजेक्ट आज पहली बार सेशन नहीं ले रहा हूँ, या फिर प्रोजेक्ट में आज पहली बार नहीं बनाने जा रहा हूँ। हमारा एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का है, तो मुझे मालूम है, हमें मालूम है, हमारी टीम को भी मालूम है कि प्रोजेक्ट करते समय कौन सी चीजें आपको प्रिसाइजली लगने वाली है, वही उतना ही हम यहाँ पे देखेंगे। जो बाकी का कचरा है वो डिस्कस भी नहीं करेंगे हम। प्रोजेक्ट को आपको क्या लगने वाला है, JSP के अंदर मुझे कुछ एलिमेंट्स लगने वाले हैं, स्क्रिप्टलेट टैग लगेगी, मुझे डायरेक्टिव्स लगेंगे, या फिर मुझे पेज डायरेक्टिव लगेगा, इंपोर्ट डायरेक्टिव लगेगा, जो कुछ भी प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वही मैं उसी का सेशन यहाँ पे लूंगा, और उसी का रेफरेंस लेके प्रोजेक्ट के अंदर उसका एप्लीकेशन कैसे मतलब यूज करना है, एक्चुअली यूज कैसे करना है वो देखेंगे। आपने बीसीएस के अंदर क्या पढ़ा है, हाँ आपको बीसीएस के अंदर इम्पोर्ट पढ़ाया गया है, या पेज डायरेक्टिव पढ़ाया गया है, या स्क्रिप्टलेट टैग पढ़ाई गई है, और उसका यूज आपने सिंपल आपकी जो प्रैक्टिकल के अंदर स्लिप्स थी उसी के अंदर आपने इस्तेमाल किया, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ के अंदर, रियल लाइव प्रोजेक्ट के अंदर उसका इस्तेमाल कैसे होता है वो यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है ना। जो एक प्रोजेक्ट मैं यहाँ पे बनाऊंगा उसी प्रोजेक्ट के अंदर सभी को काम करना है, सभी को मतलब इंडिविजुअल सभी को वर्क करना है। बाद में आपका जो कुछ भी टॉपिक सिलेक्ट करेंगे हम, यस नासिर, कौन हुंदे करी, स्टडी कंटेंट भी पूरा मिलेगा, ये जो सेशंस हो रहे हैं ना इस सेशन का आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, और कुछ सेशंस आपको डेडिकेटेडली क्लास के अंदर आके ही अटेंड करने होंगे, जो मुझे लगता है कि हाँ इसके लिए आपको क्लास पे ही आना पड़ेगा, तो उस टाइम आपको आना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ एरर आ रही है, वो लाइव सॉल्व नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे मैं बुलाऊंगा आपको, कुछ सेटअप नहीं हो पा रहा है, डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, तो उस टाइम आपको क्लास के अंदर आना पड़ेगा, और जो जो कुछ भी वीकडेज में कभी भी आ सकते हो आप, और यहाँ से सोल्यूशन वीकेंड्स में हमारे मतलब सेशन ही रहेंगे, अगर सेशन को अगर आप आना चाहते हो तो उसी टाइम आपका डाउट भी क्लियर हो जाए, लेकिन सेशन के अंदर ही नहीं, मतलब उसी टाइम में, उसके अलावा, ठीक है ना, डाउट्स क्लियर हो गया। ऑडियो कसा डिसकनेक्ट झाला रे। जो भी कंटेंट मैं यहाँ पे बताऊंगा उस हर एक कंटेंट की मतलब ये जो मैं लिख रहा हूं उसकी भी आपको PDF मिलेगी। यस मोहिनी, अभी क्लियर आ रही मेरी आवाज, जो भी यहाँ पे भी रफ वर्क कर रहा हूँ उसकी भी PDF आपको मिलेगी, ठीक है ना। वो अलग सा एक ग्रुप होगा हमारा, उसी के अंदर आपको सब डिटेल्स या जो कुछ भी मटेरियल है वो पूरा मिलेगा। SD आता है तो करे आवाज, गीतेश आवाज येतोय माझा, ओके। प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए आपको सब आना जरूरी है, लेकिन सब मतलब जो भी आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए लगेगा वो सबका सभी इनपुट हम यहाँ पे देंगे। जैसे मैंने कहा कि JSP के अंदर आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी चाहिए, तो डेटाबेस के लिए आपको क्वेरीज चाहिए होगी, तो क्वेरीज हम MySQL के अंदर हम पढ़ेंगे,
सब सिलेक्ट क्वेरी अपडेट की, सब डीएमएल डीडीएल सब टाइप की क्वेरी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एक सेशन हमारा पूरा MySQL पे होगा, दूसरा सेशन हमारा पूरा JSP के अंदर होगा, JSP की सभी टैग्स कवर करेंगे। प्योर JSP का और MySQL का कनेक्शन करके हम कुछ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म का JSP का और MySQL का एक साथ लिंकिंग करेंगे। ये पूरा वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हो। तो आपको अगर बोला गया कॉलेज के अंदर, कॉलेज में ही, कि आपको JSP में प्रोजेक्ट करना है या जावा में प्रोजेक्ट करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्योर जावा में प्रोजेक्ट करना है। उसका कंसिडरेशन ये होता है उनका, मतलब कहने मतलब कहते क्या हो कि आपको जावा के अंदर प्रोजेक्ट करना, तो जावा एक लैंग्वेज होगी, इंडिविजुअल जावा के अंदर प्रोजेक्ट नहीं होगा। उसके साथ साथ आपको ये सभी टेक्नोलॉजी कंसिडर करनी है कि आपको फ्रंट एंड बनाना है तो जावा के अंदर हम फ्रंट एंड नहीं बना सकते, आपको HTML लगने ही वाला है। स्ट्रक्चर आपको क्रिएट HTML में ही करना है, डिजाइन उसको CSS में ही करना है, तो चीजें बाय डिफॉल्ट आती है, वो बताएंगे भी नहीं है आपको कि हाँ आपने HTML, आपको HTML भी इस्तेमाल करना है। वो बताएंगे कि आपको PHP इस्तेमाल करना है, वो बताएंगे आपको पाइथन इस्तेमाल करना है, मतलब पाइथन मतलब प्योर पाइथन नहीं, आप जांगो इस्तेमाल करके कीजिए प्रोजेक्ट, या फिर आप पिरामिड इस्तेमाल करके कीजिए, कुछ भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग डिमांड हो सकते हैं, उस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट करना है। तो ये तो मैंने आपको कौन सी टेक्नोलॉजीज अभी यहाँ पे हम देखने वाले हैं वो बताया। मैं प्रोजेक्ट और एक प्रोजेक्ट आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे दूसरा एक प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल IPD जो हमने बनाया था IMCC के लिए, IMCC की एक लड़की थी मधुरा करके, उसके लिए बनाया था। तो यहाँ पे यूजर नेम मधुरा दूसरी थी, ये एडमिन पोर्टल एडमिन साइड है, इसके अंदर मैंने लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद यहाँ पे मुझे पूरे ये ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर भी पेशेंट का रजिस्ट्रेशन होगा, ये हॉस्पिटल IPD लाइफ केयर, पेशेंट का पूरा रजिस्ट्रेशन होगा, पेशेंट उसके बाद अपॉइंटमेंट बुक करेगा, ठीक है। उसके बाद स्टाफ अगर कुछ है, डॉक्टर सब कुछ है, वो पूरे यहाँ पे ऐड होंगे। उसके बाद अगर इन पेशेंट अगर कोई है, उसे कुछ वार्ड वार्ड के अंदर उसे एडमिट करना है, तो ये पूरे बेड्स है, ठीक है ना। तो अभी तो बुकिंग किसी ने की नहीं है, मुझे किसी बेड के लिए किसी का अगर बुकिंग करना है, उसे एडमिट करना है, तो बेड नंबर 1 के लिए मैं अलोकेट करता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे M टाइप कर रहा हूँ, M नाम से जितने भी हमारे हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट की एंट्री हुई है वो सभी यहाँ पे मुझे दिखाई देंगे। M कैरेक्टर जिसके नेम के अंदर है ना, एम मोहन पाल के अंदर है, यहाँ पे मंगेश के अंदर भी एम है, सोनम कपूर उसका भी मतलब यहाँ पे नेम है। तो हमने ये ट्रायल एंड एरर पे डाला था, तो एम जहाँ पे भी है वो आ रहा है। ये हमने एक नेम सिलेक्ट किया, उसके बाद उसे बेड नंबर एलोकेट किया, और वार्ड कौन सा है, जनरल वार्ड 1 है, हम उसे ये बेड एलोकेट कर देते हैं। ये बेड एलोकेट हुआ, एक टेक्स्ट बॉक्स था। अगर मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स है, मैं पेशेंट का इनिशियल टाइप करूंगा, इनिशियल टाइप करने के बाद उस इनिशियल से जितने भी पेशेंट आ रहे हैं ना, उसमें से कौन सा एक्चुअल है, उसका पूरा नाम नीचे होगा, वहां से हम सिलेक्ट करते हैं। हाँ, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में लाइट सर, ठीक है। तो ये बेड उसने एलोकेट किया है, उसकी एंट्री आपको यहाँ पे दिखेगी, ठीक है ना। पहले तो यहाँ पे एम्प्टी दिख रहा था, वो पेशेंट 2 दिन के लिए 10 दिन के लिए वो बेड अलोकेट करके रख रहा है, वो ट्रीटमेंट ले रहा है हॉस्पिटल के अंदर। जब भी वो पेशेंट मतलब उसको डिस्चार्ज मिलता है, यहाँ से आके हम उसे डी अलोकेट करेंगे। अभी तो इसका कुछ कॉस्टिंग जनरेट होगा ही नहीं, क्योंकि मैं इमीडिएट अभी ये कर रहा हूँ, बिलिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पेशेंट का डिस्चार्ज कार्ड जनरेट हो, डिस्चार्ज कार्ड के अंदर बुकिंग नंबर कितना था, एडमिट डेट कितनी थी, डिस्चार्ज डेट कौन सी है, पेशेंट का आईडी क्या था, पेशेंट का नेम क्या था, उसका डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, कौन सा बेड उसने एलोकेट किया था,
कौन से वार्ड वार्ड के अंदर था, उसको डिसीज क्या था, मतलब रीजन फॉर ट्रीटमेंट, कौन सी ट्रीटमेंट चल रही थी उसको, ये पूरे डिटेल्स, उसका रूम का चार्ज कितना है, वो पूरे डिटेल्स यहाँ पे आ रहे हैं। बाद में चार्जेस हम यहाँ पे मैनुअल डाल सकते हैं कुछ, अगर बेड का चार्ज 1000 रुपीज पर डे है तो जीरो डेज है, मतलब उसको वो एडमिशन डेट और डिस्चार्ज है सेम डेट है, तो जीरो डेज एडमिट था तो टोटल एडमिट डेज जीरो है, तो टोटल रूम चार्जेस भी जीरो होंगे, है ना। तो डॉक्टर के चार्जेस कितने हैं, तो डॉक्टर के चार्जेस 1000 रुपीज है, उसने चेक किया था। ब्लड बैंक चार्जेस कुछ है तो अगर वहां उसे में 500 का एक ब्लड बॉटल देना पड़ा, लैब के टेस्टिंग के लिए कुछ 500 आ गए, मेडिकल इक्विपमेंट चार्जेस कुछ 100 रुपीज थे, और ये फाइनल बिल अमाउंट ये आ गए यहाँ पे क्लिक करने के बाद, क्लिक कर ये हो गया। डिस्चार्ज नोट अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, फॉलो अप ऑन 25th कुछ ऐसा लिखा है, और कंफर्म प्रिंट करके आपको ये रिपोर्ट जनरेट करना है। डिस्चार्ज कार्ड जनरेट हुआ तो डिस्चार्ज कार्ड हमें एडमिन अलग सा प्रिंट करके देगा, ठीक है ना। तो ये हॉस्पिटल आईपीडी का प्रोजेक्ट प्रॉपर वर्किंग है। अगर चाहो तो हम इस किसी छोटा सा अगर किसी शहर का हॉस्पिटल है तो उन्हें हम ये दे भी सकते हैं, पोस्टिंग भी कर सकते हैं। मैंने ये लाइव होस्ट करके भी दिखाया था जब उसका एक्सटर्नल एग्जाम था फाइनल ईयर का, तो ये लाइव होस्ट करके भी दिखाया था उसने, और होस्टिंग का पूरा मतलब होस्टिंग का वो अलग से चार्ज उसने पे किया था, 1 मंथ के लिए ही होस्टिंग लिया था उसने, और ये होस्ट करके उसने रन करके एग्जीक्यूट करके दिखाया था कि लाइव प्रोजेक्ट है करके। तो ये ऐसा भी कर सकते हो आप इसके अंदर। ये पेशेंट को भी हम दे सकते हैं, मतलब उसका स्कोप नहीं था, उसने डिफाइन नहीं किया था। अगर चाहे तो हम इसके लिए पेशेंट का भी अलग सा लॉगिन रख सकते हैं, और अगर उस वो पेशेंट इसी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट ले रहा है तो उसकी पूरी हिस्ट्री वहां पे उसे दिखाई देगी, उसने कब एडमिशन लिया था, कब वो डिस्चार्ज हुआ, कौन से डॉक्टर ने उसे ट्रीट किया, कौन सी मेडिसिन दी थी, कौन सा बेड उसने अलॉकेट किया था, पूरा डिटेल्स उससे भी दिखाई दे सकता है, लेकिन वो स्कोप के अंदर नहीं था। वेब एप्लीकेशन हमने बनाया था, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन अगर होता तो पेशेंट को नहीं दिखाई देता, मतलब वो वेब से नहीं एक्सेस कर पाता ना, थोड़ी हॉस्पिटल का पीसी वो एक्सेस करने वाला है। डेस्कटॉप बेस मतलब वो इंडिविजुअल पीसी पे ही इंस्टॉल होता है, हम वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। हाँ, लेकिन हो सकता है वो पेशेंट के लिए भी आप कर सकते हो। हाँ, मॉडिफाई मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे अभी हमने एडमिन का एक्सेस रखा है ना, तो हम वहां पे जाके पेशेंट का अगर हमें कुछ देना है तो पेशेंट का अलग सा लॉगिन हम दे सकते हैं, पेशेंट को लॉगिन दे सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने एक रखा था, पेशेंट आके डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं, पेशेंट उसका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ से फिल कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे अगर पेशेंट रजिस्टर कर सकता है तो उसे हम लॉगिन विंडो भी दे सकते हैं, लॉगिन करके वो चेक भी कर सकता है पूरी इंफॉर्मेशन, अगर कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है और उसकी कुछ मेडिसिन वगैरह है तो उसका स्टैंडर्ड रेट अगर उससे निकालना है तो निकाल सकता है इस वेबसाइट के अंदर लॉगिन करके, ठीक है ना। तो ये ऐसा आप कर सकते हो। ये पूरा जो GUI बनाया हमने पूरा बूटस्ट्रैप के अंदर बनाया, बूटस्ट्रैप jQuery का इस्तेमाल करके हमने बनाया। SD आपका पहले नाम बताइए आप, SD या फिर मैं आपको यहां से रिमूव करने जा रहा हूं अभी। SD क्वेश्चन पूछ के भाग गया है। शिशिर हाँ, तो ये पेमेंट गेटवे भी अगर आपको करना है इंप्लीमेंट तो कर सकते हो। पेमेंट गेटवे भी हमने किया था, लेकिन पेमेंट गेटवे हमने डमी बनाया था, फुल प्रूफ नहीं बनाया था। फुल प्रूफ इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि अगर आपको वर्किंग पेमेंट गेटवे अगर चाहिए तो आपको बैंक के अंदर मर्चेंट अकाउंट ओपन करना होता है और उसके लिए कुछ चार्जेस होते हैं जो पे करने होते हैं, और एक फ्री होता है वो पेयू का होता है, लेकिन पेयू के लिए जो बैंक के डिटेल्स लगते हैं वो बिजनेस अकाउंट के डिटेल्स लगते हैं, आप सेविंग अकाउंट को लिंक नहीं कर सकते, आपका करंट अकाउंट होना चाहिए। तो कुछ मैंडेटरी चीजें होती है, अगर आपको पूरा ऑथेंटिकेट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद ही वो लिंक हो सकता है। अगर आपको कुछ डमी करना है तो डमी आप इजीली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने किसी प्रोजेक्ट के अंदर डमी गेटवे भी लिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा मैंने कौन से प्रोजेक्ट के अंदर लिया था। हाँ, मैंने
के अंदर ही हमने ब्लॉगर्स का भी ओपन करके रखा था अपने, डोनर के अंदर हमने डोनेशन का पेमेंट गेटवे ले लिया था ब्लॉगर्स के अंदर, ठीक है। तो वो भी कर सकते हैं हम, या कैश ऑन डिलीवरी अगर कुछ आपको ऐसे रखना है तो वैसे भी रख सकते हो, या फिर आपको कुछ कूपन कोड जनरेट करना है, जिस कूपन जो अगर आपके पास कूपन है तो सिंपल कूपन कोड डालिए, आपकी जो भी प्राइस है वो डिडक्ट होके बाद में आपको दिखेगी कौन सी ऑफर आपको अप्लाई करना है, सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। सिंपल आपके पास कुछ आइडिया होनी चाहिए, अगर आइडिया है तो इंप्लीमेंट करने में मजा आएगा, अगर आपकी खुद की आइडिया नहीं है तो ट्रेडिशनल टॉपिक हो जाएगा, वो एग्जामिनर को भी कुछ मजा नहीं आएगा उसके अंदर कि हाँ ये जो मैं 10 साल से देख रहा हूँ वही है, ये ऐसा कुछ उसको कुछ फीलिंग आना चाहिए कि कुछ अलग होना चाहिए, अगर कुछ अलग है तो कुछ अलग आपके दिमाग से ही आएगा। प्रोजेक्ट इम्पॉर्टेंट है, और एमसीए के प्रोजेक्ट तो 100% आपको जॉब दे सकते हैं। अभी आप फर्स्ट ईयर को हो, आपके सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर को ही, मतलब थर्ड सेमेस्टर को ही आपके मतलब इंटरव्यू शेड्यूल होंगे, तब आपको ये प्रोजेक्ट और नेक्स्ट सेमेस्टर को जो आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हो उसका उसका और इस प्रोजेक्ट का, दो प्रोजेक्ट का ही आपको रेफरेंस मिलने जा मिलेगा। शिशिर जो आप कह रहे हो ना कि आप एग्जिस्टिंग टॉपिक्स भी हाँ कर सकते हो, अगर कुछ प्रोजेक्ट आपके पास है पहले से ही और वो ट्रेडिशनल टॉपिक भी अगर है तो उसके अंदर आपका कुछ अलग मॉडिफिकेशन होना चाहिए कि जो पहले इंप्लीमेंट नहीं हुआ है वो आप उसी टॉपिक के अंदर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट का या हॉस्पिटल आईपीडी का प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर पेशेंट आता है, पेशेंट डिस्चार्ज लेता है, मेडिसिन लेता है, इसके अलावा आप अलग क्या कर रहे हो वो कुछ अलग जो है ना वो आपको बताना है तो कर सकते हो। फेसबुक भी एक दिन में बना नहीं था, व्हाट्सएप भी एक दिन में बना नहीं है, ये सभी सॉफ्टवेयर ही है ना जो आप डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। इंस्टा आज भी उसके अपडेट आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ कमियां थी है जो आगे जाके अपडेट के स्वरूप में हमें मिलने जा मिलने वाली, ठीक है ना। तो अपडेट हर एक सिस्टम का होता है, तो फर्स्ट डे को कोई कोई भी सिस्टम फुल प्रूफ नहीं होती, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसे फुल प्रूफ बनाना होता है। तो जब तक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं लोग तब तक हमें वो अपडेट करना ही है। तो आप शिशिर वैसे भी आप कुछ ले सकते हो, मतलब अगर आपके पास कुछ टॉपिक है या फिर पहले से कुछ आपने बनाया हुआ है और उसके अंदर अगर कुछ आप मॉडिफाई करना चाहते हो कुछ अलग है तो वो भी आप कर सकते हो, यूनिक होना चाहिए लेकिन, ठीक है। तो ये हम ऐसे प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं जो हमने मैंने यहाँ पे आपको दिखा है, ये एक एडवेंचर का प्रोजेक्ट है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एडवेंचर का प्रोजेक्ट मतलब एक एमसीसी के लिए ही बनाया था ये भी प्रोजेक्ट, न्यू एडवेंचर करके, तो इसके अंदर उसे ट्रिप्स वगैरह बनाना था, वो ट्रिप्स मतलब सभी ट्रिप्स, ये ट्रिप्स के लिए वेबसाइट अलग अलग होती है ना, मेक माई ट्रिप वगैरह उस टाइप की वेबसाइट है, लेकिन ये क्लाउड सर्फिंग की कंसेप्ट है, मतलब अगर मुझे गुजरात जाना है तो गुजरात का कोई यहाँ पे होगा इस वेबसाइट के ऊपर, मतलब उस रजिस्टर्ड यूजर होगा उससे मैं अप्रोच करूंगा कि हाँ मुझे गुजरात आना है, आज मैं गुजरात जा रहा हूँ, तो पूरा होस्टिंग वही करेगा, ठीक है ना, कुछ डिस्काउंट देके या फिर कुछ मिनिमम अमाउंट लेके मेरा पूरा होस्टिंग वही करेगा। अगर वो पुणे आना चाहता है तो पुणे के अंदर मैं उसे होस्ट करूंगा ना, कैसे हो, मतलब मेरा कोई फ्रेंड अगर है वहां पे तो वो मेरा मुझे होस्ट करेगा, अगर वो यहाँ पे आ रहा है तो मैं होस्ट करूंगा, लेकिन जो ये लिंकिंग जो हमें करनी है वो लिंकिंग इस वेबसाइट के अंदर से होती है, मतलब ये उस ट्रिप का जो था ना वो मेक माई ट्रिप वेबसाइट वही कंसेप्ट है लेकिन थोड़ा अलग आइडिया है, ठीक है ना। तो वो कुछ अलग आइडिया अगर है तो आप ये इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपके पास अगर आपको ब्लॉकचेन का कुछ अच्छा आइडिया है, ब्लॉकचेन आपके आपने पढ़ा हुआ होगा, या फिर डेटा एनालिटिक्स का अगर कुछ प्रोजेक्ट करना है आपको तो वो भी कर सकते हो, लेकिन उसका उसके लिए आपको जांगो के अंदर पाइथन के अंदर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। जेएसपी के अंदर हम उतना डेटा एनालिटिक्स या फिर ब्लॉकचेन के कोड इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लिमिटेशन आता है, हर एक टेक्नोलॉजी को कुछ लिमिटेशन है, प्रोजेक्ट टॉपिक डिसाइड करने से पहले वो लिमिटेशन आप सोच सोच लीजिए, मतलब उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ मेरी जो अगर ये आइडिया है
फ्रेंड्स आइडिया है, तो ये बन सकती है नहीं, क्योंकि उतना लॉजिक मतलब नॉलेज तो स्टूडेंट को होता नहीं है कि जावा में क्या बनने वाला है और क्या लिमिटेशंस होंगे अगर मुझे ये टॉपिक अगर इम्प्लीमेंट करना है तो। वो बच्चे कुछ सोचते नहीं है, टॉपिक दे बैठते हो, बाद में उन्हें पता चलता कि ये जावा में इम्प्लीमेंट होगा ही नहीं, इसके लिए जो मुझे एल्गोरिदम चाहिए या फिर जो कुछ भी लाइब्रेरी फाइल चाहिए जो मैं खुद से नहीं लिख सकू नहीं लिख सकता हूँ तो पाइथन में बनी हुई है। तो पाइथन हम जावा के साथ मर्ज नहीं कर सकते, अगर उसका मर्जिंग या इंटीग्रेशन भी बोलेंगे ना उसे 2-3 महीने इजीली लग सकते हैं और एक्सपर्टाइज लगेगी उसको अलग सी। हम इस लेवल पे वो टॉपिक अवॉइड करें। हाँ, आपका फर्स्ट ईयर हो जाने दो, सेकेंड ईयर को आप उस टॉपिक के बारे में सोच सकते हो या फिर लास्ट ईयर लास्ट सेमेस्टर के अंदर जो इंटर्नशिप का आपको प्रोजेक्ट मिलेगा उस टाइम आप उसका मतलब कंसिडर कर सकते हो। ब्लॉकचेन या बिग डेटा, डेटा एनालिटिक्स, वो अलग अलग टॉपिक्स के अंदर आप डेवलपमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी, अब कंक्लूजन पे आते हैं हम, या एनआर क्लासेस से आपको क्या मिलेगा इस पूरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर। पूरे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर आपको स्क्रैच से लेके आपका खुद का जो भी टॉपिक होगा जो आप डिसाइड करोगे, या फिर आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या टॉपिक लूं, तो टॉपिक डिसाइड करने से लेकर टॉपिक पूरा सबमिशन तक हम आपके साथ होंगे पूरा। लेकिन एक भी लाइन हम आपको लिखे नहीं देंगे, आपको सिंपल आपको जो भी इनपुट लगेगा कि सर हमें लॉगिन फॉर्म करना है लेकिन मुझे नहीं आता है, उसके लिए जो भी इनपुट लगेगा वो इनपुट हम देंगे। सर हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं हो पा रहा है, MySQL का कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, तो MySQL का डेटाबेस का और जावा का कनेक्टिविटी करके हम देंगे। सर सेटअप नहीं हो रहा है, सेटअप करके देंगे। अभी सेटअप कौन से लगेंगे आपको? एक तो पहले Eclipse का सेटअप लगेगा आपको, अगर मेरे पास है ये तो मैंने ये Eclipse का सेटअप है तो Eclipse लगेगा, Eclipse 22 ले लो या 21 कुछ भी Eclipse लगेगा उसका सेटअप। Eclipse सिंपल Eclipse इंस्टॉल करने से कुछ होता नहीं है, आपको JDK करना है, आपको Apache Tomcat इंस्टॉल करना है, Eclipse का JDK का Apache Tomcat का इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि वो डायरेक्ट होता नहीं, वो हमें मैन्युअली करना पड़ता है, ठीक है, पार्ट्स वगैरह सेटअप करने पड़ते हैं। बाद में आपको ये हो गया जावा का पार्ट। अभी आपको डेटाबेस चाहिए तो डेटाबेस के लिए आप एक तो MySQL एक्सप्रेस ले लीजिए या फिर वैम सर्वर या एग्जाम सर्वर लीजिए और उसके अंदर आप डेटाबेस कीजिए, ठीक है। बूटस्ट्रैप के लिए आपको बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड कर कीजिए और यूज कीजिए, या फिर आप ऑनलाइन CDN भी इस्तेमाल कर सकते। तो ये बहुत सारे चीजें हैं जो हमें एक साथ इस्तेमाल करना है। अब तक जो हमने मतलब स्टूडेंट्स ने ये इंटीग्रेट करके कभी डेवलपमेंट एक्चुअल में किया ही नहीं है, बहुत सारे बच्चों को Eclipse भी मालूम नहीं है, Eclipse यूज कैसे करते हैं और Apache का Eclipse का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो भी मालूम नहीं। तो वहां से लेके आपको पूरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होने तक, फाइनल एग्जामिनेशन होने तक हम आपके साथ होंगे। जब भी कोई भी एरर आता है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, हमारा एक कॉमन ग्रुप होगा, उसी के अंदर आपको सभी सॉल्यूशंस मिलेंगे। वो वाला ग्रुप नहीं जो अभी बनाया है हमने 500 बच्चों वाला, वो ये वाला ग्रुप अलग सा होगा, जो पेड है सभी उनका अलग सा ग्रुप होगा, ठीक है ना। तो पूरा ये HTML एक फर्स्ट सेशन HTML का सेशन CSS का, उसके बाद बूटस्ट्रैप का एक दो सेशन हमारे बूटस्ट्रैप के होंगे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट प्योर जावास्क्रिप्ट का एक सेशन होगा, उसके बाद जेक्वेरी का एक सेशन, उसके अंदर हम वैलिडेशन कैसे होते हैं, कुछ इफेक्ट्स वैलिडेशन के अंदर कैसे लेते, मतलब हम टाइप कर रहे हैं और कुछ एरर आ रही है तो कुछ फ्लैश आ रहा है या फिर वो पॉपअप हो रहा है, ऐसे कुछ जो भी फ्लैश है या पॉपअप्स है वो हम पूरे जेक्वेरी के अंदर करेंगे। और जो भी होगा ना वो थियोरेटिकल या मैं सिंपल बता रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा, यहाँ ये ऐसे होता है, इसका रेफरेंस आपको ऐसे लेना है, और जो भी कोड मैं यहाँ पे करूंगा उस सभी कोड की इमेजेस आपको मिलेगी, कॉपी पेस्ट करने के लिए कोड नहीं मिलेगा, इमेजेस मिलेंगे आपको, उसका रेफरेंस लेके टाइप करके ही कोड करना है, ठीक है। अगर मैं कोड दे देता हूँ तो वो कॉपी करके पेस्ट करके बच्चे वो चल जाते हैं उसका, तो मैक्सिमम केस में वैसे नहीं होगा, कुछ कॉम्प्लेक्स कोड है, कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स है तो उस टाइम, अभी वैलिडेशन का फ्रेमवर्क हमने खुद से बनाया है तो वैलिडेशन का एनआर का फ्रेमवर्क आपको मिलेगा,
उसके अंदर सभी वैलिडेशन, पैन नंबर, मोबाइल, एड्रेस, नेम, सभी का वैलिडेशन, अकाउंट नंबर, सब चीजों का वैलिडेशन किया है। वो सिंपल फाइल आपको डाउनलोड करनी है हमारे सर्वर से, और उस फाइल के अंदर उस जो भी फंक्शन हमने लिखे हैं मैं आपको सेशन में बताऊंगा, लाइव सेशन के अंदर, कि हाँ आपको अगर अकाउंट नंबर वैलिडेट करना है या फिर आपको पैन वैलिडेट करना है तो सिंपल आपको वैलिडेट पैन नाम का हमने फंक्शन लिखा है, उस फंक्शन को कॉल करना है। लेकिन कॉल करते समय आपको कौन सी चीजें ऐड करनी, मतलब फंक्शन को पास करनी है, वो मैं आपको उस सेशन के अंदर बताऊंगा। तो वो सेशंस का रेफरेंस लेके आप आपका खुद का कर सकते हो। जो भी फ्रेमवर्क्स हैं वो पूरे आपको ग्रुप पे ही मिलेंगे, ठीक है? तो ये बातें होगी। उसके बाद हमें जेएसपी के लिए नियर अबाउट 3 सेशंस हमें जेएसपी के लिए लगेंगे। जेएसपी पूरा वहां पे क्लियर होगा। उसके बाद हम MySQL के लिए 2 सेशन लेंगे, जिसके अंदर हम पूरे क्वेरीज, डीएमएल डीडीएल क्वेरीज, कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, ज्वाइन वगैरह सब यूज करेंगे। और हमने जो एक्सपीरियंस किया है और हम जो ऑब्जर्व किया है ना, ऑब्जर्वेशन के बाद हम अब ये बोलते हैं कि MySQL जो है ना वो सबसे हॉट टॉपिक होता है इंटरव्यू के टाइम। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के अंदर एसक्यूएल पूछा जाता है, क्वेरीज पूछी जाती है। तो ये हम 2 दिन ही MySQL और उसकी क्वेरीज, कॉम्प्लेक्स, ज्वाइन वगैरह सब यहाँ पे आपका होगा। उसके बाद पूरा पीए जावा हुआ, MySQL हुआ, ये सब हो जाने के बाद हम हमारे एक्चुअल प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्ट टॉप, ठीक है? ये चल रहा है तब तक आपके कॉलेज के अंदर आपको जो भी टॉपिक देना है वो टॉपिक आप मेरे साथ बात करके, मैम से, मैम के साथ बात करके आप टॉपिक डिसाइड कर सकते हो। उसका सिनॉप्सिस, उसका स्कोप पूरा डिस्कस करके आप सबमिट कर सकते हो। और ये प्रोसेस जो है साइमल्टेनियस चलेगी, ठीक है? जो ये थियोरटिकल सेशन का, थियोरटिकल मतलब ये जो प्रैक्टिकल पार्ट है ना, ये HTML CSS हर एक सेशन एक एक दिन लेने वाले हैं, वो इमीडिएट आज हम एडमिशन अनाउंस करेंगे, कल तक एडमिशन होंगे। अभी यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, अभी 45 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? ये 5 पकड़ के 50 अगर स्टूडेंट्स कंसिडर करेंगे हम, मुझे लगता है कल रात तक 100 रजिस्ट्रेशन आए थे, कल रात तक 100 रजिस्ट्रेशन थे। मैंने वो रजिस्ट्रेशन स्टॉप किया, उसके बाद भी रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। अभी 125 कुछ देखे थे मैंने अभी, तो उस 25 बच्चों को मैंने अभी डिटेल्स कुछ सेंड किए नहीं, तो आउट ऑफ 100 यहाँ पे अभी 50 है, ठीक है ना? जो 50 बच्चे हैं वो भी बाद में आएंगे, ज्वाइन करेंगे। तो इसमें से जितने भी कल तक एडमिशन होंगे सिर्फ उन्हीं लोगों का ट्यूसडे से सेशन स्टार्ट होगा, और वो सेशन ऑनलाइन लाइव या फिर क्लास के अंदर ऑफलाइन भी आ सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये समझ में आया? और इस सेशन के, ये जो सेशन हम हमारे परसों से होंगे ट्यूसडे से, 1800 उसके लिए चार्जेस होंगे। उसके अंदर आपको पूरा ये जो भी थियोरेटिकली लगने वाला है, उस पूरा कंसेप्चुअल ये पार्ट ये पूरा होगा। इसके साथ साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, सिनॉप्सिस लगेगा, उसके लिए जो भी इनपुट्स लगेंगे, इनपुट्स बोल रहा हूं मैं, आपके प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन आपको ही बनाना है, आपका प्रोजेक्ट आप ही को बनाना है। लेकिन उस बनाने के लिए जो भी मदद चाहिए होगी, जो भी सपोर्ट चाहिए, वो पूरा एनआर क्लासेस आपको करेगा, फाइनल तक करेगा, ठीक है ना? डॉक्यूमेंटेशन के लिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए पूरा। उसके 1800 चार्जेस है, और कल 6 बजे तक जितने रजिस्ट्रेशन आएंगे, पेड रजिस्ट्रेशन, उन्हीं लोगों का अलग सा एक ग्रुप होगा और उसी पे पूरा हमारा डिस्कशन चालू रहेगा। और अगर कोई बच्चा कहता है कि हाँ मैं अभी ये ऑनलाइन करता हूँ और मैं वो वीडियो किसी और को दिखाता हूँ, तो वीडियो भी हमारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, रिकॉर्डेड ही है, लेकिन ये 100% श्योर है कि ये अगर बच्चा किसी और को वीडियो शेयर करता है तो उसका एक्सेस चला जाएगा, किसी एक को एक्सेस, मतलब कोई एक एक्सेस कर सकता है एक लॉगिन पे। मैंने अगर मेरा मोबाइल नंबर किसी और को दिया, मेरा मोबाइल नंबर डाक रजिस्टर रजिस्टर कर, आपको वो मिल सकता है। तो अगर वैसे करता है तो उसका एक्सेस, उस मोबाइल से एक्सेस चला जाता है, या तो खुद को उसको दिखेगा जो पे कर रहा है, या फिर उसको उसके फ्रेंड को दिखेगा। एक ही टाइम 2 जगह पे लॉग इन नहीं हो सकता, तो ये बात आप ध्यान में रखिए, ठीक है? हाँ, नम्रता, आप अटेंड कर सकती हो, लेकिन किसी जो इम्पोर्टेंट सेशन है, कोई इम्पोर्टेंट सेशन है,
उसके लिए आपको क्लास में आना ही होगा, ठीक है। सेशंस तो रिकॉर्ड हो गए ही, रिकॉर्डेड सेशन आपको हमारे ऐप के अंदर मिलेंगे, लेकिन आपको बाद में अगर आपको कुछ डाउट है या फिर आपको कुछ सबमिशन टाइम कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर हम ऐसे कुछ सेशन यहाँ पे रखते हैं, मतलब जैसे कि आपकी प्रोजेक्ट की वाइवा है, तो आपको यहाँ पे ही आके वो देनी पड़ेगी, वो लाइव या वर्चुअल नहीं हो सकती, ठीक है ना। सेशन तो आपको ऑनलाइन मिलेंगे, रिकॉर्डेड मिलेंगे। यस नम्रता, और किसी को कुछ डाउट है, ये क्लियर है। एडमिशन कल 6 बजे तक चालू है, और उसके भी अभी 100 रजिस्ट्रेशन आए हैं, आज 50 भी लाइव, 50 बच्चे ये है लाइव। एडमिशन कल 6 PM तक ही ओपन होंगे, जितने आएंगे बच्चे उन्हीं का कंफर्म एडमिशन होगा, ठीक है। और फीस है 1,800 रुपीज, ठीक है। इसके अंदर ही पूरा आपका प्रोजेक्ट कवर होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, प्रोजेक्ट रेडी आपको मिलेगा नहीं, रेडीमेड प्रोजेक्ट नहीं, आपको खुद से प्रोजेक्ट बनाना है स्टार्ट टू एंड। उसके लिए हम पूरे सेशंस यहीं पे लेंगे, हर एक सेशन का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन किसी सेशन के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। तो कौन सा सेशन होगा मैं आपको बाद में बता दूं। एडमिशन के लिए मैं अभी इस ये सेशन खत्म होने के बाद आपको जिन लोगों का एडमिशन लेना है वो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, जिस नंबर से आपको डिटेल आए थे ना मीटिंग के लिए, उसी नंबर पे आपको रिप्लाई करना है एडमिशन लेना करके। वहीं पे आपको गूगल पे का QR कोड दिखेगा, वहीं से एडमिशन करना है, और बाद में वो पेमेंट कंफर्म हो जाने के बाद उसकी जो रिसिप्ट होती है ना वो शेयर करनी, ठीक है। या फिर ये मेरा जीपे का नंबर है 9730381255, इसी पे आप जीपे कर सकते, ठीक है। फॉर्म तो आप सभी ने फिलअप किया ही है, आप सभी के डिटेल्स है, लेकिन जीपे करने के बाद उसकी एक इमेज आपको हमें सेंड करनी है अलोंग विथ योर नेम, तो हम डिटेल्स पूरा कंफर्म करके आपका एडमिशन हो जाएगा और अलग से ग्रुप के अंदर आपकी एंट्री हो जाएगी। हाँ देवेंद्र, अपना जो क्लास का टाइम रहेगा तो संध्याकाळी 6 वाजता, कारण कुछ कॉलेजेस है ना, 5:30 तक कुछ कॉलेजेस है, 5 तक होते हैं, हाँ तो 1 आवर तो आपको लगेगा थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट के लिए। तो 6 PM डेली रहेगा सेशन, अभी ये डेली रहेंगे ट्यूजडे से, जब तक हम ये पूरा कवर नहीं करते ना तब तक। एक बार प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ तो हम जैसे आपको कॉलेज की डिमांड आ रही है वैसे हम सेशन शेड्यूल करें। कॉलेज में आपको डेटा डिक्शनरी मांग रहे हैं तो हम पहले MySQL में डेटाबेस बनाएंगे, डेटा डिक्शनरी बनाएंगे, और कॉलेज के जो भी आपको रिक्वायरमेंट आ रही ना, हर हफ्ते आपको कॉलेज के आपकी प्रोजेक्ट गाइड जो भी है ना वो डिमांड करते हैं, मुझे आप इस बार ERD दे दीजिए, मुझे CLD चाहिए, ये फ्लो अलग है, ये गलत है, कैसे कन्विंस करना है, क्या बोलना है, पूरा हम बताएंगे, ठीक है ना। कॉलेज के अंदर आपको सिंपल सबमिट करना है, और जो बात कर रहे हैं वहां पे टीचर आपको बोल रहे हैं कि मुझे ये करना है, ये कैसे चाहिए, उनको कैसे कन्विंस करना है। हर एक प्रोजेक्ट का अलग सा फ्लो होता है, हर एक प्रोजेक्ट का एक अलग सा व्यू होता है, आपके दिमाग में जो प्रोजेक्ट का वो व्यू आप अगर आपके टीचर के या फिर आपके एग्जामिनर के अंदर आप वो व्यू घुसा पाते हो उसके दिमाग के अंदर, तो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। लेकिन वो आपके ऊपर अगर हावी हो रहा है मतलब वो नहीं, आपने जो किया वो गलत है, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर अलग सा व्यू चल रहा है। आपका जो प्रोजेक्ट का व्यू है ना वो व्यू आपको उसके दिमाग में घुसाना पड़ेगा। उसके लिए जो भी इनपुट है, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जब हम यहाँ पे 1-to-1 प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे ना उस टाइम वो हो क्लियर हो, क्योंकि प्रोजेक्ट की क्लैरिटी सबसे पहले हमें होनी चाहिए कि हम प्रोजेक्ट के अंदर क्या बना रहे हैं। जब आप प्रोजेक्ट डाउनलोड करते हो और सबमिट करते हो ना उस टाइम आपकी प्रोजेक्ट की क्लैरिटी होती नहीं, आपके गाइड की सिग्नेचर है उसका एक्सेप्टेंस है आपके पास पहले से ही, तो आप उसी टाइम आप डिनाई कर सकते हो कि सर मैंने जो आपको स्कोप दिया था उसी टाइम हमारा बातचीत हुआ था, डिस्कशन हुआ था कि आप
हम उसको हमने डिजाइन किया है, तो उस समय आपको ये चीजें सभी समझ में आनी चाहिए, और ये हर हर एक बच्चे की मतलब ये प्रोजेक्ट के बारे में ये होने ही वाला है। आपको जब तक आपका प्रोजेक्ट फाइनल होगी नहीं ना उसकी, तब तक इंटरनल गाइड सेटिस्फाई होते नहीं, क्योंकि हर बार उनको लगता है कि हाँ अरे इसने ये अगर किया है इसे मुझे कुछ और बताना चाहिए, तो कुछ और ढूंढ के लाता है, कुछ और सजेशन बताता है कि आप ऐसे कर रहे हो तो ये डिजाइन में चेंज कीजिए, या फिर आपके फ्लो में चेंज कीजिए, या फिर ये फंक्शनलिटी ऐड कीजिए। ठीक है, तो ये हम पूरा यहाँ पे देखेंगे कैसे टैकल करना है वो सिचुएशंस। ठीक है ना? हाँ, कुंदकरी अभी जो प्रोजेक्ट हम करेंगे ना, उसने क्वेश्चन पूछा कि सेम प्रोजेक्ट ही होगा सभी के लिए। यस, जो हम यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए लेंगे एक कॉमन प्रोजेक्ट होगा, एक कॉमन टॉपिक होगा जो हम सब मिलके बनाएंगे। मैं यहाँ पे जो बनाने बनाने वाला हूँ वो पूरा आपके लैपटॉप पे खुद से टाइप करके बनाएंगे, और उसी कोड का रेफरेंस लेके आप कौन सी चीजें आपके खुद के प्रोजेक्ट के अंदर इंप्लीमेंट कर सकती हो वो मैं आपको बताऊंगा। वो इंडिविजुअल सेशन कॉमन होंगे, लेकिन आपके प्रोजेक्ट के लिए अलग सा मेंटर होगा, वो बताएगा आपको कि सर ने आपको ये पढ़ाया है, उसी का रेफरेंस लेके वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। तो आपके पास उसका कोड भी होगा, इमेजेस कोड की, और उसका वीडियो भी होगा, आप पूरा वो देख के समझ के कर सकते। ठीक है, मोहिनी इंस्टीट्यूट का नाम है एनआर क्लासेस एलएलपी, एनआर क्लासेस हमारे हर एक मैसेज में होता है ना, एनआर क्लासेस, एनआर क्लासेस पुणे करके सर्च कीजिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा पूरा इंफॉर्मेशन। प्रतीक, एमसीए का पूरा सिलेबस नहीं होगा, जो भी टेक्नोलॉजीज हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए ना, वही टेक्नोलॉजीज पूरी फोकस करेंगे हम, ये वाली टेक्नोलॉजीज, ये वाली जेएसपी, MySQL और ये फ्रंट एंड। ठीक है ना, और कुछ डाउट किसी को? एमसीए के भी क्लासेस होते हैं वो, लेकिन अलग से, इसके अंदर हम प्रोजेक्ट का ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप। तुम्हारा कहीं डाउट श्रुति का, तुम्हारा कहीं प्रोजेक्ट कहीं सांगितलं है अजून? नहीं प्राची, सर लिहा तो चालेल का? आपको कुछ डाउट? एक्सक्यूज मी सर, प्रतीक, वो ग्रुप बनेगा तब आपको पहले एडमिशन लेना पड़ेगा फीस पे करके, जो फीस पे करेंगे कल तक आपको टाइम है 6 बजे तक, जो भी बच्चे एडमिशन करेंगे फीस पे करके उन्हीं को उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। 1800 प्रतीक यहाँ पे लिखा है मैंने। यस, आप लीव कर सकते हो मोहिनी। 20 डेज में प्रोजेक्ट होगा होगा पूरा कंप्लीट होगा।